आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। आप सबों का डाउटनेट में स्वागत है। आज का प्रश्न है, जैविक जैव विकास में निम्न में से कौन सी घटना प्राकृतिक चयन की डार्विन की परिकल्पना का समर्थन देती है? पहला है ट्रांसजेनिक जंतुओं का विकास, डॉली भेड़ की उत्पत्ति, कीटनाशकों की व्यापकता कीटों में कीटनाशकों के प्रति प्रतिरोध विकसित कर देता है, और चौथा औद्योगिक मेलनिनता। अब इन चारों में से हमें ये देखना है कि कौन कौन से विकल्प ऐसे हैं जो कि प्राकृतिक चयन की डार्विन की परिकल्पना का समर्थन देती है। पहला है, पहला और दूसरा विकल्प सही होगा, या फिर बी में दूसरा या तीसरा विकल्प सही होगा, सी में तीसरा या चौथा वाला जो कथन है वो सही है, या फिर डी में पहला और चौथा कथन सही है। तो चलिए देखते हैं कि कौन सा कथन जो है वो सही होगा डार्विन के प्राकृतिक चयन की परिकल्पना से संबंधित। हम सभी के सभी जानते हैं कि चार्ल्स डार्विन जो है एक महान वैज्ञानिक थे। चार्ल्स डार्विन के नाम से हम सभी के सभी परिचित हैं। चार्ल्स डार्विन, बच्चों, चार्ल्स डार्विन ने प्राकृतिक चयन की परिकल्पना की थी। इसमें इन्होंने क्या कहा था कि जो प्रकृति में सबसे ज्यादा फिट होता है वही विकसित होता है, वही जीवित रहता है, और बाद बाकी जो है वो हमारी प्रकृति के द्वारा नष्ट या फिर विलुप्त कर दिए जाते हैं, या फिर वो जीव जो कि बदलते हुए वातावरण के अनुसार खुद को अनुकूलित नहीं कर पाते वे खत्म हो जाते हैं, और केवल वही जीते हैं जो बदलते हुए वातावरण के अनुसार अनुकूलित हो पाता है वही बने रहता है, और बाद बाकी जो है वो नष्ट प्राय हो जाते हैं। तो इसके आधार पर हम देखते हैं कि कौन जैव विकास के परिकल्पना के ऊपर सही तरीके से दिखता है। तो पहला विकल्प क्या था कि ट्रांसजेनिक जंतुओं का विकास। बच्चों, ट्रांसजेनिक जंतुओं का मतलब ये होता है कि ऐसे जीव जिनमें कि जो जीन प्रौद्योगिकी है उसका इस्तेमाल करते हुए जीन में परिवर्तन करने से जो नए जीव बनते हैं, यानी कि ट्रांसजेनिक जीव कौन हुआ, जीन में परिवर्तन करने से जो नए जीव बनेंगे वो ट्रांसजेनिक जंतु होते हैं। तो ट्रांसजेनिक जंतु जो है वो प्राकृतिक चयन के परिकल्पना का समर्थन नहीं करता। तो पहला जो विकल्प है ये तो गलत हो गया। अब दूसरा क्या था कि डॉली भेड़ की उत्पत्ति। तो डॉली भेड़ की जो उत्पत्ति है वो क्लोन विधि के द्वारा हुई थी। ये कैसे इसकी उत्पत्ति हुई, क्लोन विधि, ये भी एक प्रकार का जैव प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया गया था। यहाँ पे डॉली की उत्पत्ति अपने आप नहीं हुई थी कि वो बदलते हुए वातावरण के अनुसार डॉली एक नई प्रकार की प्रजाति बन गई हो, ऐसी नहीं हुई है। तो इस प्रकार से जो डॉली की उत्पत्ति, भेड़ की उत्पत्ति जो है ये भी प्राकृतिक चयन की परिकल्पना का सही व्याख्या या फिर ये उसका परिणाम नहीं रहा है। तीसरा विकल्प क्या है, कीटनाशकों की व्यापकता कीटों में कीटनाशकों के प्रति प्रतिरोध विकसित कर देता है, ये सही है। इसको किस तरीके से सही समझेंगे, इस तरीके से समझिए कि जो कीटनाशक होते हैं, जब हम बार बार कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं तो जो कीट होते हैं, कीट जो होते हैं वो कीटनाशकों के प्रति प्रयोग के कारण, उसके संपर्क में लगातार आने से कारण उनके अंदर जो है वो कीटनाशक के प्रति प्रतिरोध उत्पन्न कर लेते हैं, उत्पन्न हो जाता है।
तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर हुआ ये कि कीटों ने बदलते हुए वातावरण के अनुसार अपने अंदर परिवर्तन लेके आ गए, यानी कि वो बदलते हुए वातावरण के अनुसार खुद को अनुकूलित कर रहे हैं। तो ये जो तीसरा कथन है ये बिल्कुल सही है, ये डार्विन के प्राकृतिक चयन की परिकल्पना को स्वीकार करते हैं। चौथा विकल्प क्या है, औद्योगिक मेलनिनता। तो औद्योगिक मेलनिनता का मतलब क्या होता है बच्चों, समझ लीजिए। औद्योगिक मेलनिनता, माफ कीजिएगा, मेलनिनता, मेलनिनता बच्चों, औद्योगिक मेलनिनता में क्या कहा गया था कि ये एक परिकल्पना इस प्रकार से की गई कि जब ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति शुरू हुई थी, उस टाइम के पहले, यानी कि औद्योगिक क्रांति के पहले जो वहां के जो कई सारे वृक्ष थे, मान लीजिए वृक्ष है इस तरीके से, तो उस प्रकार के वृक्ष में जो थे वो क्या लाइकेन पाए जाते थे, और ये लाइकेन जो होते थे ये सफेद रंग के होते थे। तो मान लीजिए कि वृक्ष के छाल पे हमें पता है कि लाइकेन पाए जा सकते हैं, तो ये सफेद रंग के होते थे। तो इसके ऊपर एक खास प्रकार का मॉथ होती थी, ये मॉथ जो होती थी वो भी सफेद रंग की होती थी, तो वो यहाँ पे इसके ऊपर आकर के बैठा करती। तो इससे क्या होता था कि ये जो थी ये अपने शिकारियों से बच जाती थी। लेकिन जब औद्योगिक क्रांति शुरू हुई, यानी कि ये स्थिति कब थी, औद्योगिक क्रांति शुरू होने के पूर्व, औद्योगिक क्रांति शुरू होने के पूर्व, पूर्व जो थी, जो मौत थी, जो सफेद मौत थी, सफेद मौत एक प्रकार की बटरफ्लाई के जैसा ही समझ लीजिए। तो मत सफेद मौत जो थी वो लाइकेन, जो कि सफेद रंग का होता था, ये लाइकेन है, सफेद लाइकेन है, तो ये सफेद लाइकेन के ऊपर बैठती थी, तो ये मौत जो थी ये बच जाती थी अपने शिकारियों से। लेकिन जब औद्योगिक क्रांति शुरू हुई तो प्रदूषण का स्तर जो है वो वातावरण में इतना फैल गया कि ये जो लाइकेन थे ये मरने लगे। तो अब ये लाइकेन क्या हुए, ये खत्म होने लगे। अब इसकी वजह से जो सफेद मौत होती थी इसको वो प्राकृतिक सुरक्षा अब नहीं मिल पा रही थी अपने शिकारियों से जो पहले थी, यानी कि औद्योगिक क्रांति के बाद, औद्योगिक क्रांति के बाद जो लाइकेन है वो मरने लगे क्योंकि ये प्रदूषण का स्तर को सह नहीं पाए, लाइकेन क्या गए, मर गए। अब इससे जो मौत को, जो सफेद मौत को जो सुरक्षा थी वो मिली नहीं, अब इसकी वजह से जो शिकारी थे वो इस मौत को खाने लगे और खत्म करने लगे। तो यहां पर औद्योगिक मेलनिनता में हमको क्या समझ में आ रहा है कि क्योंकि ये जो सफेद मौत थी, ये जो सफेद मौत थी यानी कि एक प्रकार की बटरफ्लाई, ये सफेद मौत अपने आप को बदल नहीं पाई प्रकृति के अनुसार, इसलिए खत्म होने लगी, और इसकी जगह पे जो काले रंग के मौत थे वो जो थे वे बचने लगे। तो यहां पर क्या हुआ कि ये बता रहा है कि वातावरण के प्रति जो बदलता नहीं है वो नष्ट हो जाता है, और जो बदलता है वही जो है वो सरवाइव कर पाता है। तो इस प्रकार से जो औद्योगिक मेलनिनता है ये भी डार्विन की परिकल्पना का समर्थन करती है। तो इस प्रकार से तीसरा और चौथा जो कथन है ये बिल्कुल सही है, और इस प्रकार से जो सी है हमारा, जिसमें कि तीसरा और चौथा कथन बताया जा रहा है, ये सही होगा। तो इस प्रकार से हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। उम्मीद है आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिला होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।